हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस इंडियन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। ये जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज क्या करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। बेटम, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस कर चुके हैं, और एक हमने किया है डिस्कस अभी तक, कॉलोनियल एक्सप्लॉटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। सो अब वो सारी चीज़ों की डिटेलिंग हमने करनी है। एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो चलो वो डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर बेसिकली, मैं आपको पहले ओवरव्यू बता देती हूँ। इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो एक बैकवर्ड सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक वो स्टेगनेंट फैक्टर सेक्टर था। बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ सेक्टर था, एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और दूसरा वो स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट मींस उसकी जो इनकम जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई हो रही थी, बहुत कम या बिल्कुल मतलब नहीं इंक्रीज़ हो रही थी, इस कारण वो स्टेगनेंट सेक्टर एक था। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अब इसके, हम वो सारे जो कैसा कैसा था हमारा, कौन से फीचर्स है, डिपेक्ट करती है सारी बातें जो मैंने आपको स्टेगनेंट और बैकवर्ड सेक्टर बोला है, वो चलो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अभी देखो, देखा जाए एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एक जो था मतलब उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर मेन 72% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की डिपेंड होती थी फॉर द लाइवलीहुड ऑन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर। बट इवन दो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन थी और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। अगर इसको आप कंपेयर करो वीट से और राइस, वीट और राइस की जो आप उस टाइम की मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम की 1947 की और 2018-19 की अगर आप कंपेयर करो, तो यू विल कम टू नो के जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट है, जो वीट की प्रोडक्टिविटी है वो हमारी 1947 में 5.2 टाइम्स लोअर थी एज कंपेयर टू इट प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 2018-19। मतलब कितनी ज़्यादा कम थी, 5.2 टाइम्स लोअर थी वो। सो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा उस टाइम प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी उसकी। और यही चीज़ अगर हम राइस में देखें, राइस में देखो तो वो जो थी 4 टाइम्स कम थी एज़ कम्पेयर टू 2018-19। राइस की प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी थी वो 1947 में 4 टाइम्स लोअर थी एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इन 2018-19। सो इन एट द टाइम ऑफ मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे एग्रीकल्चर की जो मेन हमारी क्रॉप्स थी वो वीट और राइस थी। वीट और राइस की प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या कहता है बेटे आपको, कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, जो उसकी क्रॉप्स हमारे पास आएंगी वो बहुत ज़्यादा उसकी अनसर्टेन थी डिग्री उसकी। वो क्यों, किस सेंस में, क्योंकि देखो उस टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इरीगेशन वॉज रेनफॉल। बारिश अगर अच्छी हो रही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पर अगर आपकी किसी साल बारिशें रेनफॉल कम हुई है तो उस केस में आपकी क्रॉप्स जो है वो ख़राब होने के चांसेस है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होगी। सो ये रीज़न क्या था, ये ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे भी सोर्स ऑफ इरीगेशन उस टाइम में हमारी रेनफॉल ही होती थी। वो क्यों होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई डेवलपमेंट इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं किया था। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें अगर वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट करते तो इरीगेशन का रेनफॉल के अलावा और सोर्सेज भी होते, जैसे अब आज की डेट में
कितनी ज़्यादा सोर्सेज हैं हमारे इरिगेशन के, हम कितनी किन सब कितनी कितनी चीज़ों से हम रेनफॉल, हम जो अपने क्रॉप्स को फार्मर्स वो इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है, वो पहले नहीं थे। इस कारण प्रोडक्टिविटी जो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी उस पर थी और प्रोडक्शन हमारी जो एग्रीकल्चर की थी वो लो होती थी। देन नेक्स्ट कम्स डोमिनेंस ऑफ ये सब्सटेंस नहीं है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ठीक है बेटे। मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग नहीं है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ठीक है, इसको प्लीज़ ध्यान रखना, ये गलती से आपका टाइप हो गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग आना है, सब्सटेंस फार्मिंग नहीं आना है। तो डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंसेस फार्मिंग में क्या है, नॉर्मली जो फार्मिंग एट द टाइम ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी होती थी वो ज़्यादा हमारी किसकी होती थी, वो मोस्टली हमारी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस की होती थी। मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस मीन्स वो जो वो क्रॉप्स की जो वो आपकी क्रॉप्स उगाई जाती थी, आपकी कल्टीवेशन होती थी उन क्रॉप्स की, जो उन जो फार्मर्स को डेली नीड्स उनकी फुलफिल करें, ठीक है। तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर में फार्मिंग तो इस कारण करते थे कि उनको खाने की दिक्कत ना आए, क्योंकि उस टाइम आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर अपना डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि क्रॉप्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा बेचे, क्योंकि उनकी अपने लिए ही गुजारा मुश्किल से होता था, ठीक है। तो उनके पास कोई सरप्लस बचता ही नहीं था कि वो सेल करे मार्केट में, इसके कारण क्या हुआ, कमर्शियल आउटलुक तो थी ही नहीं कि मार्केट में बेचना भी है, और बैकवर्डनेस हो ज़्यादा थी और पावर्टी डोमिनेट करती थी, क्योंकि उनके पास कोई मतलब अपने सेल्फ कंजम्पशन के अलावा उसको मार्केट में बेचेंगे, उसको कमर्शियल आउटलुक मिलेगी तभी वो उससे पैसा कमाएंगे ना, ठीक है। देन कम्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने जो पहले किया है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या है, ज़मींदार जो होते थे बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार बना दिए थे। ज़मींदार का क्या काम था, उनका बेसिकली वो लोगों से लैंड फार्मर्स से स्मॉल फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वो उसका कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को ब्रिटिशर्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते थे। तो वो जो जो ज़मींदार होते थे उनको का क्या माना जाता था, वो बेसिकली उनको ओनर्स ऑफ द सॉइल माना जाता था कि वो ही इस ज़मीन के कर्ता धर्ता हैं, ओनर्स वो ही हैं, और उन लोगों ने क्या करना होता था, एक फिक्स्ड अमाउंट था जो उन्होंने गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में देना होता था, और जो ज़मींदार थे उनके पास पूरा राइट था, पूरी फ्रीडम थी, वो जैसे मर्जी स्मॉल फार्मर्स जो उनके अंडर थे उनसे जैसे मर्जी काम करवाएं, जैसे मर्जी उनसे उनका एक्सट्रैक्ट कराएं। वो बेसिकली क्या करते थे, ज़मींदार जो थे वो जो स्मॉल फार्मर थे उनको उनकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन करते थे, और उनसे इतना ज़्यादा रेट पे लैंड रेवेन्यू उनसे लेते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोन्स लेने पड़ते थे, कर्जे में डूबना पड़ता था, उसके कारण वो इंडेबटनेस उनका सर्कल उसका चलता रहता जिसके कारण गरीबी ज़्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। ये बात बेटा वही अभी जो मैंने आपसे डिस्कस की है, जो ज़मींदार थे दे वर कंसिडर्ड एज अ ओनर्स ऑफ द सॉइल, एंड द मेन स्मॉल फार्मर्स दे वर कंसिडर्ड एज अ टिलर्स ऑफ द सॉइल। बेसिकली ओनर्स ऑफ द सॉइल ने मीन्स ज़मींदारों ने उन्होंने क्या करते थे, वो जैसे मर्जी करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे स्मॉल फार्मर से वो एक्सट्रैक्ट करते थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका सामान लेते थे, और उनको उनके लिए सिर्फ उतना ही छोड़ते थे कि मुश्किल से उनका गुजारा हो, ठीक है। सो जो बेसिकली जो आपके जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे या स्मॉल फार्मर्स जिनको आप कहते हो, जो वो फार्मर्स थे उन लोगों के पास तो बहुत थोड़ा ही सामान रहता था कि वो अपने मुश्किल से वो अपना गुजारा ही करते थे, वो पावर्टी में ज़्यादा रहते थे और उनका जो कर्जे उनके ज़्यादा चढ़ते रहते थे। पर जो ओनर्स थे ओनर्स मीन्स ज़मींदार जो थे वो लेविशली रहते थे, एंड दे मतलब जितना ज़्यादा वो कंज्यूम कर सकते थे उनसे ले लेते, एक्सट्रैक्ट करके कंज्यूम करते थे।
और देन जो आपके नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो इसमें, जो टिलर्स ऑफ द सॉयल है वो बेसिकली क्या करते थे, वो सिर्फ एक मतलब अपना गुजारा ही करते थे, ठीक है, टू मील्स अ डे सिर्फ उतना ही गुजारा उनका होता था। और जो आपके ज़मींदार थे, जो ओनर्स ऑफ द सॉयल है, उनके लिए तो एक ये जो है काम सोर्स ऑफ इनकम का था, जिसके बीच में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी उन्होंने, और उनको पैसा आता रहने, ठीक है। और मतलब ये भी नहीं था कि ये एक की मतलब एक नहीं लेना, जनरेशन टू जनरेशन ये काम फॉरवर्ड होता था, ठीक है। देन कम्स फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, जो आपके स्मॉल फार्मर्स थे, छोटे फार्मर्स थे, उनको बेचारों को क्या करना पड़ता था, उनको ज़बरदस्ती उनको अपनी मतलब एक पावर्टी लाइन, पावर्टी पे रहते थे वो बेचारा, उनको अपने गुजारा करने के लिए, फॉर सर्वाइव, फॉर देयर सर्वाइवल ओनली, व्हाट दे हैड टू डू, उन लोगों को ज़बरदस्ती अपनी सब्सिस्टेंस फार्म क्रॉप्स को छोड़ के उनको अपनी कमर्शियल क्रॉप्स में जाना पड़ता था। आप कमर्शियल क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं बेसिकली, जैसे इंडिगो। इंडिगो की क्या है, इंडिगो की क्रॉप्स कल्टीवेशन वो लोग करना पसंद क्यों करते थे फार्मर्स, क्योंकि उसके ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ब्रिटेन में वो यूज़ होता था फॉर डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए व्हाट फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स डू, दे शिफ्ट देमसेल्स फ्रॉम द सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। और जो फार्मर्स था इस काम को चलाने के लिए, उनको फार्मर्स को प्रोडक्शन करने के लिए, उनके पास इतना पैसा तो था नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बैकवर्ड था। तो उन लोगों को ये ब्रिटिशर्स से, या मतलब ये इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए उन लोगों को अपने ये ज़मींदारों से एडवांस लेना पड़ता था। एडवांस लेके वो क्या करते थे, जो उनको अपनी जो वो क्रॉप की कल्टीवेशन करते थे, जो उनको एडवांस मिलता, लोन लेते थे, वो उनको ज़्यादा रेट्स पे मिलता था, और इसके कारण क्या है, वो कर्जे में डूबते रहते थे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट कम्स स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स में क्या आएगा, जो आपके स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे मीन्स थोड़ा थोड़ा टोटा टोटा बहुत छोटी ज़मीन उनके पास थी एग्रीकल्चर करने के लिए। एंड फ्रेगमेंटेड का मतलब कि कोई इकट्ठी ज़मीन नहीं थी, एक टोटा एक जगह, एक टोटा दूसरी जगह, एक टोटा तीसरी जगह, अलग अलग जगह पे टोटे होते थे, जिसके कारण क्या है कि उनको सारी लैंड होल्डिंग्स अलग अलग जगह पे होती थी, तो उनकी जो जो उनकी वो आउटपुट होती थी वो कम होती थी, और उनकी कॉस्ट इनको इनकर ज़्यादा करनी पड़ती थी, क्योंकि अलग अलग जगह पे उनको जाना पड़ता था, ठीक है। सो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।